वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे, आपकी फैमिली फ्रेंड्स कैसे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा। हम अपना आज हेयर केयर करेंगे, स्किन केयर करेंगे, लिप्स केयर करेंगे एंड ओनली बस ये, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा अगर मैं बॉडी की केयर करने पर आई तो इसलिए आज हम हेयर की, लिप्स की एंड अपनी स्किन की हेयर करेंगे केयर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपनी हेयर केयर की, कि मैं हेयर केयर में मतलब हेयर का जो मैं मास्क लगाने वाली हूँ आज, वो मैं क्या क्या यूज़ करूँगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोई मार्केट का यूज़ नहीं करने वाली, ओनली अपने घर पे बनाऊँगी। और मैं एग तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि मैं एग यूज़ ही नहीं करती। तो मैंने सोचा कि थोड़े से अच्छे से प्रोटेक्ट इंग्रेडिएंट्स लेके हमें उसको यूज़ करना चाहिए, और वो मैं करती भी हूँ, तभी मेरे बाल उससे सिल्की भी रहते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाउल में मैंने ले लिया है ये अपना जेल, ये जेल है, आप देख सकते हैं ये जेल है। एंड ये जेल किस चीज़ का है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हमारे जो अलसी होती है ना, हिंदी में ही बताऊँगी कि लोग समझ पाएँ, जो हमारी अलसी होती है ना, अलसी को लेना है एंड उसको एक पतीले में, पतीला बोलते हैं जैसे आप लोगों के में भिगोना टाइप बोलते होंगे, तो वो लेना है। एंड उसमें आपको ये दो चम्मच अलसी के डालने हैं। देन उसके बाद आपको अच्छे से उबाला आने तक उसको उबालते रहना और उस पानी को बिल्कुल गाढ़ा फॉर्म में हो जाए, जैसे कि मेरा हो गया है, ये ऐसा जेल सा बन गया है ये, ठीक है। तो इस जेल को इसमें कर लेना है। और अगर नेक्स्ट टाइम मैंने ये वो ट्राई बनाया तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक मतलब जिस दिन बनाए उसी दिन उसको यूज़ कर लें। देन मैं आपको मिलाना है अपना एक एरोविला जेल, तो मैंने उसका ले लिया है, एरोविला जेल ले लिया है पूरा, और इसको इसमें मिक्स कर देना है। मैं मिक्स कर रही हूँ उसको, ठीक है, इसको मिक्स कर लेना है और अच्छे से हिला लेना है। अगर आपके पास वो वाला एरोविला जेल नहीं है तो आप मार्केट का वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मार्केट वाला ले लेती हूँ। इसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, एक सेकेंड। इस पर मिला लें आप। तो ये मैंने हाथ में ही निकाल दिया है एरोविला जेल, उसमें डाल दिया और उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स हो जाए क्योंकि ये हमारे हेयर्स पे ही लगता है। अगर आपके पास बाजार मार्केट वाला ना हो तो घर वाला ले सकते हैं, और उसको एक मिक्सी ग्राइंडर में हिला लें, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यूज़ करना है कोई भी ऑयल, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपको कोई भी ऑयल लेना है। तो मैं ले रही हूँ ये कैरेट ऑयल, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा ड्रॉप्स डालने हैं, ठीक है। मैंने 10 से 20 ड्रॉप्स डाल लिए हैं और उसको अच्छे से हिला लेना है। हिलाने के बाद इसको मिक्स कर, मिक्स करने के बाद ही अच्छे से मिल जाएगा एंड फिर आपको अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। और आपके हेयर ना गाइस वॉशेबल होने चाहिए। अच्छा वॉशेबल होंगे तो अच्छे से ये आपके हेयर्स पे लग जाएगा। तो अगर आपके हेयर वॉश नहीं होंगे तो ये आपके हेयर्स पे अच्छे से प्रॉपर नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, हेयर अच्छे से वॉश कर लें, देन अपने हेयर को ओपन कर लें एंड कोई नॉर्मल सी टी शर्ट पहन लें। इसलिए मैं नॉर्मल सी ही टी शर्ट पहन के बैठी थी कि मतलब जब मैं स्किन केयर करूँ, मतलब हेयर का मास्क लगाऊँ तो मेरे बाल
थोड़े से टी शर्ट बन गई, ठीक है। तो अब आपको ले लेना है और आपको ये लगाते जाना है, तो ये मैं अपना थोड़ा थोड़ा लेती रहूँगी और अपने हेयर्स पे लगाती रहूँगी ऐसे एक एक स्ट्रिप ले लेके आपको लगाना है अपने हेयर्स पे और ऐसे ही इसको स्ट्रेट करना है 2 सेकंड तक, तो आपको मतलब 2 मिनट तक तो आपको इसको ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि गाइस ना मैं एग खाती और ना ही मैं लगा, तो मुझे थोड़ी सी ना इरिटेशन होती है एग से, ना मैं खाना पसंद करती और ना मैं लगाना पसंद करती। फिर आपको और भी लेके जाना और लगा देना, ठीक है। और जो जिस स्ट्रिप्स पे लगा रहे हैं ना उसको ना अच्छे से लगाएं, ऐसा नहीं कि कमी कंजूसी दिखाएं, और ना उसके कोई ना मतलब कपड़ा ना नीचे गंदा सा बिछा लें, ना गंदा सा नहीं इन द सेंस कोई और कपड़ा बिछा लें कि आपके ड्रेसेस या फिर आपके बैक बेडशीट अगर आप बेड पे बैठे हैं तो खराब ना, ऐसे इसको करना है अच्छे अच्छे हैंड से सीधा 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 करते जाना है और फिर स्टाफ लेते जानी है और करता जाना। जो होता जाए फिर उसको ऊपर ना ऊपर की साइड करते जाए। मेरे ना हेयर्स ना ये होता जा रहा है, देखिए आप लगते जा रहे हैं स्ट्रेट होते जा रहे हैं। मजा तो बहुत आ रहा है बट रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आप देखिए करीब आपको उसको 1 घंटा तो रखना ही होगा प्रोसेस में, ठीक है। फिर एंड जो लास्ट के जो हेयर्स होते हैं ना उनको लेना है जो मेरे पीछे गए, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए मैं ले रही हूँ लगा रही हूँ, इधर तो साइड मैंने लगा लिया, और जो इधर के जो हेयर्स हैं इनको लेना है और इनको लगाना है अच्छे से। पहले मैं ना इसको डैप कर लेती हूँ इसके अंदर, ठीक है, और फिर इसको मलेंगे हम अच्छे से, तब तक मैं ना ये लगा के आती हूँ प्रोसेस। ओके लगा लिया है, आई नो थोड़ा सा घील मेरा ना पतला हो गया क्योंकि मैंने ना उसको एलोवेरा जेल ना पानी वाला डाल दिया थोड़ा सा, तो वो पतला हो गया। आपको थोड़ा सा गाढ़ा फॉर्म में रखना है, देन उसके बाद हम तब यार ना मेरे पास ना एक तो कैप था, पता नहीं कौन सा कैप था, वो हेयर कैप था, वो पता नहीं कहाँ चला गया आई डोंट नो। तो उसके बाद हम थोड़ा सा कर लेते हैं अपना अपना बॉडी का केयर, एंड ये मैं पी रही हूँ फ्लिक्स का एप्पल साइड विनेगर टैबलेट्स पी रही हूँ। तो इसको ओपन कर लेंगे एंड इसका बेनिफिट्स देख सकते हैं बहुत सारा, शहनाज़ गिल तक इसका एडवर्टाइज कर रहे हैं एंड मैं भी कर रही हूँ क्योंकि ये भी मेरे कोलैबोरेशन में ही आया था। तो हमें ये 1 टैबलेट लेनी है 1 ग्लास में, ठीक है, ये मैंने डाल दी है। अब इसके बाद हमें एक लेना है पानी, अब वो कोई सा भी ले सकते हैं, नॉर्मल ले सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं, और मैंने मिक्स कर लिया है
और ये टैबलेट आप देख सकते हैं इसमें कैसे एकदम से खुल रही है और ये टपका जा रहा है मेरा ये पैक जो भी मैंने ये लगाया है उसको हम इग्नोर करते हैं। नहाना है तो है ही मुझे वैसे भी, तो पूरा गीला हो चुकी हूँ। एंड इसको पहले अच्छे से हम ये घुल जाएगी, घुल रही है क्या टैबलेट, तो इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं एंड फिर हम पियेंगे इसको। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है और हमारे फैट के लिए अच्छी होती है। देन उसके बाद हमें यूज़ करना है, यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस के लिए। अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं तो आप अपने फेस पे रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। हमें लेना है एक एलोवेरा जेल और अपनी स्किन पे अच्छे से हमें लगाना है। अगर आपके पास मार्केट वाला ना हो तो आप घर का ले सकते हैं, घर का ना हो तो आप कोई मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, ठीक है। एंड मैं एक मॉइस्चराइज़र भी ले रही हूँ उसके साथ, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको दोनों को मिक्स करके हम लगाएंगे तो हमारा जो भी जल्दी से हमारे हेयर्स जो भी होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। हम अपना नेक पे भी लगा, उसका कैप पहले बंद कर देते हैं क्योंकि मेरे कैप हमेशा से ना क्या होता है एलोवेरा जेल मेरा कहीं ना कहीं गिर जाता है, ठीक है। और हमें अपना ये लेना है रेजर, आई डोंट नो ये कौन सी ब्रांड का है, क्या बताना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांड का है। तो हमें अब मिरर लेना है, मिरर मेरा किधर है बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी आई शेडो वाला ये मिरर ले लेती हूँ, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये सबसे ऐसे ऊपर से स्टार्ट करना है। और गाइस मैंने ना कल ही अपने फेस का स्क्रब किया था, मैं ज़्यादातर स्क्रब यूज़ करती नहीं हूँ, मेरे ब्लैक हेड्स बहुत से हो गए थे। हम देखिए उनके पास जाते हैं ना सलून्स वालों के पास, तो वो बोलते हैं ना हम रेज़र रिमूव कराने, तो वो भी इसी से रिमूव करते हैं। आई नो हम जो रेज़र वो बोलते हैं ना रेज़र जो भी होता है वो, तो वो हम इस ये लोग इसी से करते हैं। और हमें लगता है कि वो कोई और मशीन यूज़ कर रहे हैं समथिंग एल्स। और मेरे पास खुदा है आईब्रोज सेट करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं ज़्यादा ना आईब्रोज छेड़ती नहीं हूँ, जो भी लाइट लाइट बाल होते हैं ना इनको ही रिमूव करती हूँ क्योंकि डर लगता है। हो चुके हैं गाइस, अगर आपको और लग रहा हो कि आपको ज़्यादा है
मैं पहले ना कर चुकी हूँ तो इसलिए मेरे है नहीं इतने हेयर्स। जो भी निकला है ये गंद स्किन और ये गंद निकला है तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। जो गाइस जो हमने ये बनाया था ये पी लेते हैं। अब इसको सिप सिप करके पिए। गाइस मैं अपने हेयर ड्रायर कर रही हूँ। गाइस थोड़ा सा ना इसको हम छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए। बहुत गीले थे, थोड़े हल्के हुए हैं। एक तो ना गर्मी में ना मुझसे ना हो नहीं पाते और मैं सीरम लगा रही हूँ अपना प्लम्प का। आपको ये कॉम से करना है और देखिए एक ही बार में मेरा ब्रश जा रहा है। ये मेरा वुडन का है, आराम से ही मेरा कॉम लिटरली स्मूथ हेयर हो गए। ठीक है, इसको यूज करने के बाद फॉर्म लेना है। गाइस आप देख सकते हो फिर से एक बार कॉम करेंगे और ये थोड़े स्ट्रेट हो गए हैं और पहले से स्ट्रेट थे। अब मेरे लिए बहुत है क्योंकि कल मुझे कहीं जाना नहीं है और इस टाइम पे मुझे लिटरली इतनी भूख और गर्मी लग रही है और मान ही नहीं सकते। और स्किन केयर के लिए मैंने वो प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दिए थे पिछली वीडियो में तो वो ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओके बाय गाइस, गुड नाइट।
मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय। Thank you.